हेलो बच्चों वेलकम टू पी डब्लू दे चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑल राइट विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पैकेट ऑल तो यहाँ पे अपन सबसे पहले सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं दिस अ सिंपल सिचुएशन यहाँ पे मान लो एक कंटेनर है आपके पास दिस इज अ कंटेनर एंड पानी से भर रहे हैं तो इसमें पानी डाल देते अपन थोड़ा साई वेदर इट विल सिंक ऑफ फ्लोड एंड दिस विल बी आइडेंटिफाइड बाई अस बाई यूजिंग द कैलकुलेशन ठीक है दिस इज सील्ड पैकेट ऑल राइट तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में गिवेन है वो तो अपन लिख लेते हैं मास कितना गिवन है 500 वॉल्यूम कितना गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा ये जो सिंबल है ना इसको रो बोलते हैं ये एक्चुअली पी नहीं होता एग्जैक्टली exactly, कुछ ऐसा होता है दिस इज वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गई अब यहाँ पे ना आपको मास ऑफ वॉल्यूम को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्यों क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और अपन जो कंपैरिजन करेंगे वो डेंसिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में करेंगे ऑल राइट right? तो यहाँ पे अगर आप इसको इन दोनों को डिवाइड करोगे दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम तो ये किस में आएगी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी तो कम्पेरिजन करना आसान हो जाएगा तो यहाँ पर अपन डेंसिटी निकालते हैं अच्छा डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है डेंसिटी सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम अग्रीड रीड ऑल मास अपॉन वॉल्यूम तो यहाँ पे वैल्यू रखो यार मास है फाइव हंड्रेड ग्राम्स वॉल्यूम कितना है थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ये तो कैंसिल हो रहा है फिफ्टी से कैंसिल होगा तो ये रहेगा टेन और रहेगा सात तो ये कितना हो जाएगा देखो टेन अपॉइंट सेवन टेन पॉइंट सेवन विल बी वन पॉइंट फोर थ्री वन पॉइंट फोर थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो दिस इज़ द डेंसिटी और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर पैकेट जो भी है ये पैकेट ही कर देते हैं डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर दिस इंप्लाइज दैट इट विल सिंक ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया इट विल सिंक ठीक है दूसरा पार्ट क्या है वॉट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पैकेट अब देखो सीधी सी बात है अगर ये पानी के अंदर डूब रहा है तो फिर ये कुछ ना कुछ पानी के मास को भी डिस्प्लेस करेगा ठीक है अग्रीड अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि उसका वॉल्यूम कितना होगा कितने वॉल्यूम को इसने डिस्प्लेस करा ये बता सकते हो सीधी सी बात है जो इस पैकेट का वॉल्यूम है उतना ही उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर तो डिस्प्लेस करेगा ऑब्वियस है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट विल इट विल डिस्प्लेस इसका वॉल्यूम कितना है थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऑब्वियस है ना ये तो ठीक है तो यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी मास इज वॉट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो वॉल्यूम कितना है थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी डेंसिटी कितनी होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल ठीक है तो फिर इसका मास कितना आ गया मास इज कमिंग आउट टू बी थ्री हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स सो दिस इज बेसिकली द मास ऑफ पैकेट मास ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेस बाय द पैकेट तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर थैंक यू गाइज